नमस्कार मित्रों, बात उस समय की है जब राम जन्मभूमि आंदोलन अपने चरम पर था। 1990, एक ऐसी पुस्तक जिसने सोते हुए हिंदुओं को, उनकी चेतना को जगाया। अरुण शौरी, राम स्वरूप, जय दुबाशी, हर्ष नारायण एवं सीताराम गोयल जी द्वारा रचित यह पुस्तक थी, हिंदू टेम्पल्स, What happened to them? अरुण शौरी जी लिखते हैं, इस वैचारिक क्रांति लाने वाली पुस्तक का मेन, इसका आधार क्या था? इसका आधार था हिंदुस्तान इस्लामी अहाद में नाम की एक पुस्तक। 1972 अरबिक में एक पुस्तक प्रकाशित की गई जिसमें कि इस्लामिक आक्रांताओं द्वारा मंदिरों के तोड़ने का विस्तार से वर्णन किया गया था। दिस बुक वॉज ट्रांसलेटेड इन टू उर्दू बाय नदवातुल उलामा इन 1973। 1973 में यही पुस्तक उर्दू में ट्रांसलेट कर दी गई। अब प्रश्न यह उठता है कि इन्होंने, जो स्वयं कट्टर इस्लामी थे, उन्होंने यह पुस्तक लिखी क्यों, और लिखी अरबिक में लिखी तो उसको उर्दू में क्यों ट्रांसलेट किया? तो इसके पीछे एक कारण है। ये जो डेजर्ट की असभ्यता है, इनमें पता नहीं क्यों, किस वजह से या क्या सोचकर है, पर ये अपने अत्याचारों का महिमा मंडन करना बहुत अच्छा समझते हैं। अपनी आने वाली जनरेशंस को गर्वान्वित होकर बताते हैं कि उन्होंने कितने अत्याचार किए हैं। दे फील प्राउड ऑफ इट। जो भी है, पर इसी सोच के चलते हमें एक, जैसा कि अरुण शौरी जी कहते हैं, वो इस पुस्तक को एक वैल्यूएबल गिफ्ट मानते हैं, क्योंकि ये वो एक ऐसा सोर्स है जहां से हमें ना कि हिंदू साइड के बल्कि इस्लामिक साइड के भी एविडेंस के साथ, हमें पूरे प्रमाण के साथ हमें डिटेल्स मिलती हैं कौन कौन से मंदिर तोड़े। और ये पुस्तक भी कहती है कि ये तो बहुत थोड़े से हैं, और भी बहुत सारे इन्होंने तोड़े हैं, पर ये कुछ उनमें से जिनका वर्णन किया जा सकता है, कुछ मुख्य मुख्य मंदिर हैं। अरुण शौरी जी लिखते हैं कि जब उन्हें इस पुस्तक का पता चला और उन्होंने इस पुस्तक को ढूंढना चाहा, तो अचानक से हर उस स्थान पर यह पुस्तक मिलनी बंद हो जाती है जहां से कि इसके मिलने की अपेक्षा की जा सकती थी। जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, हैदराबाद की लाइब्रेरीज एसेट्रा। लेकिन कुछ प्रयासों के बाद उन्हें यह पुस्तक मिल गई। मैं चाहती हूं कि आप इस एक कोट को देखिए जो इस पुस्तक में मौलाना अब्दुल हई ने खुद, ओरिजिनल जो पुस्तक थी उसमें लिखा हुआ है। कुवत अल इस्लाम, एज द नेम सजेस्ट, पावर ऑफ इस्लाम। कुवत अर्थात ताकत, शक्ति, और यह उनके लिए एक शक्ति प्रदर्शन का माध्यम था। मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना देना, कुवत अल इस्लाम, जो कि दिल्ली की सबसे पहली मस्जिद थी। और ये किसने बनवाई थी? ये बनवाई गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। और कहां पर बनी थी यह मॉस्क? कुतुबुद्दीन ऐबक ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनवाए गए मंदिर को ध्वस्त करके बनवाई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शहाबुद्दीन घोरी के आदेशों पर इस मंदिर को ध्वस्त किया, लेकिन उसको पूरी तरह से ध्वस्त नहीं किया। उसकी आउटर वॉल्स को उसने एज इट इज इंटैक्ट रखा और उसको मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया, जिसे बाद में शमशुद्दीन अल्तमिश ने पूरी तरह से सफ़ेद चट्टानों से ढक दिया और उसे पूरी तरह से मॉस्क में परिवर्तित कर दिया। द मॉस्क एट जौनपुर, दिस वॉज बिल्ट बाय सुल्तान इब्राहिम शर्की। सुल्तान इब्राहिम शर्की ने यह मॉस्क बनवाई।
कहां? मंदिर को तोड़कर, एक हिंदू मंदिर को तोड़कर इस मॉस्क का निर्माण किया गया। इसे जिसको कि कहा जाता है अटाला मस्जिद। ये वो मस्जिद है जहां पर सुल्तान शुक्रवार की नमाज पढ़ा करता था और यहीं पर काजी शहाबुद्दीन इस्लाम के लेसन्स भी दिया करता था। तीसरे नंबर पर आती है द मॉस्क एट कन्नौज। ये मॉस्क कन्नौज के दुर्ग के भीतर बनवाई गई है और इस पुस्तक हिंदुस्तान इस्लाम की अहद में इसके अनुसार यह मॉस्क जो कन्नौज दुर्ग के भीतर बनाई गई है वह भी हिंदू मंदिर के अवशेषों के ऊपर बनाई गई है। चौथे नंबर पर आती है जामी मस्जिद एट इटावा। यह मॉस्क भी यमुना नदी के किनारे इटावा में बनाई गई है। कहते हैं कि यह भी एक हिंदू मंदिर के ऊपर उसके अवशेषों पर बनाई गई है। नंबर 5 बाबरी मस्जिद एट अयोध्या। और ये मुझे लगता है कि इस लिस्ट में ये सबसे ज्यादा फेमस है, बाबरी ढांचा, श्री राम जन्मभूमि। और उसमें भी वह स्थान जहां पर कहा जाता है कि वह सीता माता की रसोई थी, वहां पर बाबर के आदेशों पर यह मॉस्क खड़ी की गई थी। अच्छी बात यह है कि इसका उन्मूलन हो चुका है, हमारे वीरों ने इसे ध्वस्त कर दिया और आज राम जन्मभूमि मंदिर बनकर तैयार होने आ गया है। और इस लिस्ट में 7वां है मॉस्क ऑफ आलमगीर औरंगजेब, बनारस का गरिमामय विश्वेश्वर मंदिर, जिसे कि ध्वस्त करके औरंगजेब ने मॉस्क ऑफ बनारस बनवाई। कहा जाता है यह मंदिर बहुत ही ऊंचा और बहुत ही शानदार था। इस मंदिर को ध्वस्त करने के बाद इसी मंदिर की ईंटों से उसने मॉस्क का निर्माण किया और उस मॉस्क के भीतर लगी हुई ईंटें भी उसी मंदिर की हैं, वह पत्थर भी उसी मंदिर के हैं, बस उसको रीअरेंज कराकर उसने मॉस्क में परिवर्तित कर दिया। और आज यह बनारस की एक बड़ी मस्जिद के नाम से प्रसिद्ध है। मित्रों, एक और मस्जिद है बनारस में ही जो कि आलमगीर औरंगजेब ने बनवाई है गंगा घाट पर। इस मस्जिद में 28 टावर्स हैं और इसकी ऊंचाई है 238 फीट। यह मस्जिद भी मंदिर के अवशेषों पर बनाई गई है जिसकी नींव गंगा के पानी तक जाती है। यही नहीं, औरंगजेब के पापों की लिस्ट में एक और है मॉस्क एट मथुरा। कहा जाता है कि मथुरा के गोविंद देव जी मंदिर को तोड़कर औरंगे ने मॉस्क बनवाई थी